हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग होम बाय अमायरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं मावा कुल्फी। मावा कुल्फी बनाने के लिए ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 1 कप मलाई, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप दूध है और 1 कप शुगर ली है और 2 इलायची को कूटकर पाउडर बनाकर लिया है। आइए, अब सबसे पहले हम इस दूध को बॉईल कर लेते हैं। ये दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है और अब हम जो हमने मलाई ली थी उसका हम मावा रेडी कर लेते हैं। ये हमने पैन लिया है और इसके अंदर हम मलाई डाल रहे हैं। ये मलाई को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इससे हमारा जो मावा है वो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मलाई का जो कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और ये थिक फॉर्म में आ रही है। अभी हमें इसको थोड़ा सा और भूनना है। ये देखिए, मावा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, मावा एकदम से थिक हो चुका है और बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम गैस को सिम कर देते हैं और हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था उसको हम दूध में मिक्स कर लेते हैं। हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया था, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे छलनी की मदद से छानकर और जो दूध हमने पहले से बॉईल रखा था उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। ये हमने छान कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे और हमारी जो कुल्फी है वो एकदम से बढ़िया बनकर रेडी हो। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग आ रही है इस पे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी जो आइसक्रीम है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। अब हमने जो शुगर ली थी वो हम 1/2 शुगर इसके अंदर ऐड कर लेंगे और 1/2 शुगर से हम कैरेमल रेडी करेंगे। शुगर जब तक मिक्स होती है तब तक हम कैरेमल रेडी कर लेते हैं। कैरेमल बनाने के लिए हमें फ्लेम एकदम से लो रखनी है। ये देखिए, कैरेमल बनकर रेडी है। जो हमारी शुगर थी वो एकदम से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हमने जो मावा बनाकर लिया था उसको अब हम इस दूध के अंदर ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा और पकाएंगे।
ये देखिए मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है। ये कैरेमल को हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हमें फ्लेम एकदम से लो रखनी है। ये देखिए शुगर को कैरेमल करने से हमारी जो कुल्फी है इसका कलर भी काफी चेंज हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा जो कुल्फी का बैटर है वो हल्का गर्म है। ये मैंने काजू लिए हैं। काजू हमने इसके अंदर डाल लिए हैं और काजू से जो हमारी कुल्फी है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मावा कुल्फी बैटर एकदम से रेडी हो चुका है। काजू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस बैटर को कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रखेंगे। ये मैंने कप लिया है और इसके अंदर हम ये मावा कुल्फी का बैटर जो है वो डालेंगे। ये हमने मावा कुल्फी का बैटर कप में डालकर ले लिया है और अब हम इसको फॉइल की मदद से रैप कर देंगे और 7-8 घंटे के लिए इसको हम फ्रीजर में रखेंगे और उसके बाद हम इसे निकालकर चेक करेंगे। 8 घंटे हो चुके हैं और ये कुल्फी को हमने फ्रीजर से निकाल के ले लिया है। अब हम इसमें से ये फॉइल को हटा देंगे और ये देखिए हमारी जो कुल्फी है एकदम से बढ़िया जमकर रेडी हो चुकी है। ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इसके अंदर इसको थोड़ा सा हम डिप कर देंगे। इससे हमारी ये जो कुल्फी है ये इजिली बाहर निकल आएगी। ये मैंने साइडों से चाकू से घुमाकर और किनारियों से हटा लिया है इसको। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी एकदम परफेक्ट मावा कुल्फी बनकर रेडी है और अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। ये मावा कुल्फी को हमने पीसेस में कट करके ले लिया है और अब मैंने ये पिस्ता कतरन ली है। पिस्ता कतरन से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमारी मावा कुल्फी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।